सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगी, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगी। वह व्यक्ति जिसे खुद पर भरोसा होता है वह अंत में दूसरों का भी भरोसा जीतने में कामयाब रहता है। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंट से एक मजबूत नींव बना सके। कमाल के लोग हैं, टाइम किसी के पास नहीं है लेकिन टाइम पास सब कर रहे हैं। आज का पंचांग 13 जनवरी 2021 दिन बुधवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सुबह 10:30 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र सुबह 5:28 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:35 से 1:56 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा धनु राशि पर 12:06 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 13 जनवरी 2021 दिन बुधवार, आज व्यवहारिकता की अपेक्षा रखने वाले कई मुद्दों में भावनात्मक व्यवहार करेंगे। स्पष्ट सोच रखते हुए यह समझने की कोशिश करें कि आपकी इच्छाएं क्या है और आपके लिए अच्छा क्या है। आपके भीतर कुछ ऐसी भावनाएं पैदा हो सकती है जो आपको कुछ सीमाएं लांघने के लिए उकसा सकती है। ऐसे कोई भी फैसला लेने से पहले सबको सूचित कर दें। कुछ नए फायदेमंद संपर्क बनेंगे। घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल बनी रहेगी तथा आपसे मेल मिलाप आपको प्रसन्नता देगा। आध्यात्मिक तथा धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि होने से आपके स्वभाव में और अधिक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए आप सोच विचार कर सकते हैं। फिलहाल जितना पैसा आपके हाथ में है उसे योग्य तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। काम संबंधित या घर संबंधित निर्णय लेते समय दो दृष्टि रख कर ही निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। महिलाओं को भविष्य से जुड़ी चिंता सता सकती है। व्यापारियों को नए किस तरह से पाए जा सकते हैं इस विषय में अधिक ध्यान देकर काम करने की आवश्यकता है। आपके द्वारा परिवार के सभी व्यक्तियों को जोड़कर रखने की कोशिश की जाएगी जिससे पार्टनर भी आपका पूरा साथ देंगे। सावधानियां, किसी लापरवाही की वजह से बैठे बिठाए किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अपनी पर्सनल बात किसी के साथ भी शेयर ना करें। संतान की किसी गतिविधि को लेकर मन परेशान रहेगा लेकिन किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ विचार विमर्श करने से समस्या का समाधान मिल जाएगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण सुखद व खुशनुमा बना रहेगा। इसे मांगलिक कार्य से संबंधित योजनाएं भी बनेगी। आपका पिछला अफेयर आपको अभी भी परेशान कर रहा है और ऐसा कई बार हो चुका है। अपने आप को पिछले कड़वे अनुभवों से परेशान ना होने दें। हालांकि अब भी आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपको पिछले मजेदार दिनों की याद दिलाता है। आप इस आदमी के साथ एक नई शुरुआत की कोशिश कर सकते हैं। बस अपनी कोशिशों के सफल होने तक का इंतजार करें। बात करते हैं करियर की। आज आप एक ऐसे सफल पेशेवर से मिल सकते हैं जो आपका कार्य करने के लिए उपलब्ध सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन उसके साथ साझेदारी के गठन से पहले थोड़ा सावधान रहें कि वह कार्य के मध्य में अपनी दरों में वृद्धि कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प ये होगा कि आप ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करें जिनमें दरें गतिमान की बजाय स्थायी हो। व्यवसाय में प्रत्येक गतिविधि पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कोई नई जिम्मेदारी आप पर आ सकती है जिसको लेकर किसी सहयोगी से हल्की फुल्की
तकरार भी होने की संभावना है। नौकरी में किसी ऑफिशियल यात्रा के ऑर्डर आ सकते हैं। बात करते हैं सेहत की, और चीज़ों के साथ साथ संतुलित जीवन शैली भी अच्छे स्वास्थ्य से ही संभव हो पाएगी। आपको अच्छी जीवन शैली तो पसंद है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है तो अच्छी जीवन शैली का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। आपको धीरे धीरे स्वास्थ्य संबंधी सब चीजों में रुचि उत्पन्न होगी। आप ऐसे लोगों से काफी प्रभावित होंगे जो फिट रहने के लिए काफी मेहनत करते हैं। धीरे धीरे यह आपके भी जीवन का हिस्सा बन जाएगा और इससे सकारात्मक बदलाव आएंगे। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को गुड़ का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।